अध्ययन केंद्र के अच्छा नमस्कार मित्रों, सभ्यता अध्ययन केंद्र के सभी मित्रों का स्वागत है। राजनीतिक मतवादों की भूमिका और इतिहास यानी कथित वैचारिक राजनीति के छलावे, इस व्याख्यान श्रृंखला का ये पांचवा व्याख्यान है। इसमें हम बताएंगे कि आइडियोलॉजी का असली उपयोग आज तक विश्व स्तर पर किसने किया। वस्तुतः केवल कम्युनिस्ट पार्टियों ने किया है और उनका विचारों से इतना कम संबंध है। उस पर हमको इसलिए जानना चाहिए कि भारत में सबसे अधिक अज्ञान कम्युनिज्म और सोशलिज्म को लेकर फैला है। क्यों? इसका ये मतलब नहीं कि यहाँ के लोग सबसे कम बुद्धिमान हैं या सबसे कम अकल रखते हैं, बल्कि इसलिए कि जो सोवियत संघ के मॉडल पर राज्य ने शिक्षा और संचार व्यवस्था पर पूर्ण नियंत्रण रखा, उसका परिणाम ये हुआ कि वही पढ़ा लोगों ने जो बताया जा रहा है, और जो आधुनिक विचारधारा के नाम पर चल रहा है दुनिया में वो क्या है, अपनी पॉलिटिक्स को छिपाने के प्रोपेगेंडा है। ये दुनिया में कम से कम पश्चिमी यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका में जो प्रबुद्ध लोग हैं वो अच्छी तरह जानते हैं, पूर्वी यूरोप के लोग न जाने इसकी कोशिश की गई है, अब वो भी जानने लगे हैं, और भारत के लोग न जाने इसकी कोशिश नेहरू ने की, क्योंकि वो सोवियत ब्लॉक से जुड़े रहकर, और पूरी तरह जुड़े रहकर नहीं, दोनों ब्लॉक को अपने निजी स्वार्थ के लिए साध कर काम कर रहे थे। उसके कारण भारत के आधुनिक शिक्षा प्राप्त लोग आइडियोलॉजी और कम्युनिज्म और सोशलिज्म, इन तीन चीजों के विषय में लगभग इतनी हास्यास्पद चीजें जानते हैं जैसे कि क्रिश्चियनिटी और इस्लाम के विषय में भी, यानी जो पराई चीजें हैं उनके विषय में ऐसा गहरा अज्ञान है, ऐसा व्यापक अज्ञान है जो बहुत चिंता का विषय है। अपनी चीजों को तो गांव देहात तक हर आदमी जानता है कि कण कण में भगवान है, हर प्राणी की आत्मा में परम सत्ता का, परम परमेश्वर का निवास है, सभी मनुष्य उसी एक चेतना के अंश हैं, विभिन्न संप्रदाय विभिन्न समूह संसार में भगवान ने बनाए हैं, जैसे विविध प्रकार की फसलें बनाई हैं, विविध प्रकार के पेड़ बनाए हैं, वृक्ष वनस्पति बनाए हैं, फूल बनाए हैं, विविधता ही संसार का सत्य है, और प्रत्येक विविधता को अपनी जगह स्वप्रतिष्ठित रहना है, सुंदरता से रहना है, ये सब गांव गांव तक हर व्यक्ति जानता है, यानी वो इससे भिन्न कोई कल्पना ही नहीं करता। लेकिन जैसे तथा कथित आधुनिक वैज्ञानिक कृषि शिक्षा को प्राप्त करने वाली वाले तथा कथित कृषि वैज्ञानिक भारत के राजनेताओं और अफसरों के इशारे पर भारत में फसलों की एक रूपता लाने की कोशिश कर रहे थे, परंपरागत फसलों की विविधता को समाप्त कर संकर बीज संकर फसलें अभी भी कर रहे हैं, और कहीं सोयाबीन कहीं जो भी कैश क्रॉप जिसे कहते हैं उनको उनके एकदम लगातार खेतों में वही हो, गन्ना हो, मूंगफली हो, सोयाबीन हो, और जो परंपरागत विविधता थी अनाज की वो नष्ट हो जाए। इसी प्रकार विदेशी पेड़ों और विदेशी फूलों को बहुत अधिक गरिमा देकर उसको सौंदर्य और विशेष सौंदर्य का पर्याय बताकर उसको फैलाया गया। विदेशी संकर गायों को बताया गया कि ये तो क्या है, क्या अद्भुत चीज है, जो भारत की गोवंश परंपरा है, भारत के बैलों की परंपरा है। धीरे धीरे भारत के पशु पक्षी, भारत के वृक्ष वनस्पति, भारत की खेती खलिहान, इनको नष्ट करने की कोशिश की गई। उसी प्रकार भारत का विचार भी शिक्षित समाज में लगभग समाप्त हो जाए या संस्कार मात्र में भले रहे, लेकिन विश्व के विषय में उनकी जानकारी केवल उस प्रोपेगेंडा तक सीमित रहे जो यूरोप के पश्चिम और पूरब दोनों गुट करते हैं, ऐसी कोशिश की गई। अब कोशिश की गई तो क्या उनको वो लोग संसार के सबसे बहादुर लोग हैं, क्या वो संसार के सबसे बुद्धिमान लोग हैं, क्यों सफल हुए, एक तो इसे जानना चाहिए जिससे मैं आगे बताऊंगा। संक्षेप में यहाँ उसकी केवल चर्चा कर देते हैं अभी आज के विषय के संदर्भ में, बाकी उसका अधिक विस्तार नहीं कर सकते। वो ये है कि
पता नहीं कैसे प्रचार कर दिया गया है कि आप थोड़ा भी भारत के प्रति आत्म गौरव, इसकी महानता, इसकी श्रेष्ठता की गंभीरता से जब बात करें तो कुछ पढ़े लिखे भारतीय सकुचाने लगते हैं या आपको अजीब ढंग से देखते हैं कि आप कुछ जरा ज्यादा ही झूठ हैं, ज्यादा ही अपने को महत्व दे रहे हैं और उनमें न्याय भावना के नाम पे दूसरों की चाटुकारिता, दूसरों की प्रशंसा, दूसरों का पक्ष लेने की विचित्र प्रवृत्ति। और ये प्रवृत्ति कुछ पहले से आ गई है, हो सकता है कि युग का प्रभाव हो, क्योंकि जितना महान भारतीय समाज रहा है, जितनी महान इसकी परंपराएं रही हैं, जितने गौरवशाली इसका संपूर्ण चिंतन, इसकी राज्य व्यवस्था, इसकी वास्तु शिल्प, आहार विहार सबकी व्यवस्थाएं रही हैं, हो सकता है कि काल के प्रवाह से उस महानता को आत्मसात करने की सामर्थ्य वाले लोग सामने राज्य में विद्या में ना आते हो, कोई बात होगी। ये ऐसा इसलिए है कि काफी दिनों से ये दिख रहा है, ऐसा नहीं है कि अंग्रेज आए और कांग्रेस आई उसके बाद ऐसा हुआ है। देखो हमारे राजाओं को देखिए, मुस्लिम काल से देखिए, इतने प्रतापी, इतने तेजस्वी सम्राट हैं, हिंदू सम्राट सब रहे हैं, लेकिन आपस में भाई भाई से, अपने ही सगे लोगों से मैत्री से ज्यादा महत्व उससे बदला लेना है। एक राजपूत दूसरे राजपूत से बदला ले रहा है तो वो मुसलमान से तुर्क से संधि कर रहा है, जयपुर के राजा मेवाड़ के महाराणा के विरुद्ध अकबर से संधि कर रहे हैं, जितने भी तथाकथित मुस्लिम जागीरदार हुए हैं जिनको उनके चाटुकारों और मूर्खों ने बादशाह आदि कहा है, उनकी सबकी शक्ति तो भारत के राजपूत तथा अन्य सैनिक ही थे और राजा ही थे। तो अपने भाई से प्रेम नहीं, अपने सा अपना जो लगातार इस भारत का है उससे प्रेम नहीं है, उससे मन भरा हुआ है या उससे प्रतिस्पर्धा है या उससे प्रतिस्पर्धा के साथ बैर विरोध मन में आ गया है, बदला लेने की भाव प्रतिशोध आदि आ गया है और बाहर वाले के साथ उसके कारण संधि करते हैं, सारा ही जो जिसे मुस्लिम इतिहास का कह दिया जाता है झूठों बदमाशों के द्वारा, वो वस्तुतः क्या है, हिंदू राजाओं का एक वर्ग हिंदू राजाओं के दूसरे वर्ग को हराने के लिए, या कुछ हिंदू, एक हिंदू राजा दूसरे हिंदू राजा को हराने के लिए, और ऐसा ही देश भर में विविध समीकरणों के साथ मुसलमानों को साथ ले रहे हैं और उनको साथ दे रहे हैं। और बाद में अंग्रेज जब आए तो उन्होंने इसी को ऐसे घाल मेल करके झूठा ऐसा प्रोपेगंडा कर दिया एलियट एंड डाउसन शुरू करके सबने, कि वो इसको आपकी पराजय बताने लगे। उस समय किसी ने कहा हो कि हम तुर्कों से हार गए हैं, हम तो बड़े हीन हैं, ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला। सारी हीनता की बात, सारी मुसलमानों के प्रभाव की बात 19वीं शताब्दी ईस्वी से चलता और 20वीं में खासकर तेज हो गई, तो वो तो एक अलग बात है इतिहास की। लेकिन मुख्य बात यह है कि जैसे अपनी महानता को नहीं समझना और दूसरे के थोड़ी सी ताकत को भी साथ लेके हम इसको पचाड़ देंगे, हम उसको कर देंगे, ये बहुत पुराना भाव है, हिंदू राजाओं में था, अब हमारी राजनीतिक पार्टियों में भी, और करते करते ये ऐसी हीनता आ गई है कि अपने राजशास्त्र, अपने राजनीति शास्त्र, अपने राजनीतिक सिद्धांत, अपने राजनीतिक चिंतन, इनकी महानता का कुछ होश ही नहीं, कोई संज्ञान ही नहीं है, और वो उनका प्रोपेगेंडा मटेरियल है, कोई आइडियोलॉजी कह दिया है, कोई कुछ लोकतंत्र और मानवाधिकार, दुनिया भर के शब्द जाल जो अस्तित्व में नहीं है, जो मिथ है, मिथ्या है, उनके प्रति ऐसा सम्मोहन की पता नहीं क्या है। अब ये वोट डालने का अधिकार मिल गया तो कह दिया आपकी ही सरकार है, उन्होंने प्रोपेगेंडा किया, हम देखते हैं बड़े सारे शिक्षित नागरिकों को नजर रहता हमारी सरकार, लोग कहेंगे अरे भाई आपको वैसी सरकार तो मिलेगी जैसे आपने, राज्य के किसी ताने बाने का पता नहीं, नियम क्या है ये पता नहीं, राइट टू वोट और राइट टू रूल का पता नहीं कि उसमें क्या अंतर है आकाश पाताल का, तो ये आ गया है। तो इसके कारण क्या है, इसके कारण बल्कि ब्रिटिश शासन में धीरे धीरे फिर से 1858 के बाद वो जो बीच में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुसलमानों से मिलके बहुत ज्यादा छल किया और उसमें कुछ जैसा कि वारन हेस्टिंग्स का मुकदमा चला लंदन में, तो उसमें कहा गया कि भारत के नीचतम लोगों को साथ लेकर ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग काम कर रहे हैं, तो उसके कारण जो थोड़ी अस्त व्यस्तता रही और उन्होंने बहुत क्रूरता की, बर्बरता से दमन किया भारत का जहां उनको मौका मिला, भारत के लोगों का,
तो लेकिन उसके बाद जब ब्रिटिश शासन आया तो उसने समझ लिया कि क्या मेंटल है हिंदू राजाओं का, तो क्या शक्ति है, तो उसने तो कह दिया कि नहीं, हम सबको आप अपने धर्म का पालन करते रहिए, बस हमारा राज चलने दीजिए। ऐसे कहा ना 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया ने। तो उसके बाद ब्रिटिश शासन में थोड़ा सा ज्ञान की साधना फिर से होने लगी थी। जो बीच में एक दौर आया था कि मुसलमानों और कंपनी के कर्मचारियों और उनके झूठ छल फरेब का घटा टोप आ गया था, जो हीनता लाने की कोशिश हो रही थी वो फिर मिटने लगी थी। लेकिन फिर ये उन्होंने फिर बाजी मार ली, जो बदमाश हैं, क्योंकि यूरोप में हमने यूरोप ना तो यूरोप एक है ना इंग्लैंड एक है, उसमें तरह तरह की धाराएं हैं। तो इंग्लैंड में कुछ बेचारे सत्यनिष्ठ लोग थे, उनके प्रभाव से तो भारत में सुप्रभाव आए, लेकिन जो दुष्ट थे नीच थे जिनको भारत से द्वेष था, अकारण द्वेष था, क्योंकि भारत ने तो इंग्लैंड को दिया ही दिया है, भाई अभागो तुम हमसे क्यों द्वेष करते हो, हम तुमसे द्वेष करें तो समझ में आता है, लेकिन थे कुछ लोग जो द्वेष करते थे। तो उन्होंने सोचा कि नहीं, ऐसे कुछ करो कि यहाँ के वीर लोगों को, तेजस्वी लोगों को शासन नहीं मिले, ये जो हमारे चाटुकार हैं उनको शासन मिले। तो जवाहरलाल नेहरू अपने को बहुत शातिर मानते थे, इन्होंने इंग्लैंड से भी दोस्ती साधी और सोवियत संघ से भी साधी, तब तक सोवियत संघ में आ गया था। तो उसके लिए उन्होंने लेनिन और स्टालिन की सिखाई हुई पदावली जो झूठ से भरी थी, प्रोपेगेंडा था, उसको अपना लिया, क्योंकि वो उनको अपने अनुकूल लगा। इसका मतलब ये नहीं कि ये मूर्ख थे। जो मुख्य बात जानने की है कि ना नेहरू मूर्ख थे, ना कोई भाजपा का नेता मूर्ख है, इनके लक्ष्य छोटे हैं, इनके स्वार्थ छोटे हैं, जिसका बड़ा है वो बड़प्पन दिखाता है, जैसे इस समय कई बातों में मोदी जी दिखा रहे हैं, लेकिन हमारे नेताओं के अक्सर बहुत छोटे लगते रहे हैं, और इस कारण वो ज्यादा जानना ही नहीं चाहते, ज्यादा मेहनत भी नहीं करना चाहते। संसार के विषय में पढ़ना पढ़ाना, ज्ञान की साधना, फिर आप ये जानिए कि क्या है, फिर इतने बड़े भारत की विशालता को जानिए, विराटता को जानिए, यहाँ की महान परंपराओं को जानिए, क्या क्या राजवंश रहे, उनका कैसा शासन रहा है, उसके शासन के क्या सूत्र और शास्त्र रहे, इनको जानिए, कौन झंझट में पड़े, छोटे लोग हैं, बुद्धि से छोटे, मन से छोटे, तो आसान उपाय अपनाते हैं। ऐसा नहीं है कि ये समझने की सामर्थ्य नहीं है, समझना चाहते ही नहीं है, तमस है। तो नेहरू के कारण शिक्षित शिक्षा में भी तमस आ गया, ह्यूमैनिटीज में शिक्षा, ह्यूमैनिटीज में जो कुछ पढ़ाई हुई वो तमस को छाने की और भारतीय सत्य को छाने वाली पढ़ाई थी। इसका परिणाम क्या हुआ कि एक महाझूठ जवाहरलाल के समय में उनके संरक्षण में शिक्षा विभाग और संचार माध्यमों के द्वारा फैला दिया गया कि आइडियालॉजी, विचारधारा। अब इस आइडियालॉजी की पोल क्या है ये जानना चाहिए, क्योंकि ये तो भारत का शब्द नहीं है ना। अच्छा, एक दूसरा धंधा ये हुआ कि जो यूरोप के साधारण से शब्द हैं, जो वहां सब लोग जानते हैं, उनका यहाँ कुछ ऐसा सुंदर गरिमामय भव्य अर्थ करने लगे, जिससे कि यहाँ के संस्कारी और अपनी परंपरा से जुड़े लोग धोखा खा जाए। वो मैंने अच्छा ये वही चीज, जैसे रिलीजन को धर्म कह दिया, और भी बहुत सी बातें थी, तो उसी प्रकार आइडियालॉजी का हिंदी अनुवाद विचारधारा कर दिया और सोचा कि कोई राजनीतिक विचारधारा की। अरे बाबा, भारत के किस शास्त्र में लिखा है कि राजनीति विचारधारा की, और यूरोप के किस शास्त्र में जो असली मूल पुस्तक है उसमें लिखा है कि राजनीति विचारधारा की, और यूरोप के किस नेशन स्टेट ने कभी विचारधारा की राजनीति की। लेकिन ऐसा सम्मोहन कि जो घट रहा है विश्व में सामने जो घटित हो रहा है उसको नहीं देखना, रोज उसके संपर्क में आ रहे हैं, उससे अपना व्यवहार साध रहे हैं, काम चलाऊ रिश्ता बना रहे हैं, वहां अपने को क्या चाहिए, स्वार्थ कैसे सजेगा, तीन तिकड़म कैसे होगा, समीकरण कैसे सजेंगे, वो सब जान रहे हैं। जैसे इस समय हमारे बहुत से धर्माचार्य हैं, उनको अच्छे से पता है कि शासन कैसा चल रहा है, किस नेता कुछ करो कैसे करो तो हमको बढ़ोतरी मिल जाएगी, प्रतिष्ठा मिल जाएगी, लेकिन जब भाषण देंगे तो वही पुराने सिद्धांत अपना बोलेंगे और ऊपर से राजनीति में टांग भी अड़ाएंगे, और राजनीति को ऐसे बोलेंगे जैसे कोई महाभारत और अर्थशास्त्र चाणक्य का और बृहस्पति नीति और शुक्ल नीति की निरंतरता में चल रही राजनीति, सामने व्यवहार में दक्ष लेकिन वाणी में पता नहीं किस दुनिया में, वो वेदों में उपनिषदों में। अरे भाई, तो इस समय की व्यवस्था उसकी कसौटी पर क्या है, कभी आपने जानने की कोशिश की नहीं। तो इसी प्रकार आइडियालॉजी एक शब्द चला दिया, उसका हिंदी अनुवाद विचारधारा हो गया, और
शिक्षा और संचार माध्यमों के द्वारा ऐसा सम्मोहन फैल गया कि विचारधारा कोई ना कोई विचारधारा चाहिए। इसके बाद अहंकार जुड़ जाता है। आपने वर्षों तक विचारधारा की बात की, भावुकता में समर्पित भी हो गए किसी विचारधारा को, और फिर उसके बाद फिर उसको जस्टिफाई करने लगे, नहीं 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 तो लेकिन कोई तो विचारधारा होगी। अरे भाई, फालतू परकीय शब्दावली में आप क्यों जाते हैं? भारत की किसी भी राजनीति शास्त्रीय पुस्तक में, किसी भी राजनीति शास्त्र के महान ग्रंथ में विचारधारा का कोई उल्लेख ही नहीं है। राज्य क्या है, राज्य के लक्ष्य क्या हैं, इस सब की बातें बड़ी गंभीरता और बड़े विस्तार से हैं, तो ये नहीं हुआ। तो आज का जो विषय है आइडियोलॉजी, उसको जानना चाहिए, क्योंकि आइडियोलॉजी भारत की राजनीति में चर्चा के स्तर पर छाई हुई है और व्यवहार के स्तर पर तो संभव ही नहीं है। जहां वो उसकी बात की गई, जहां से उसका प्रोपेगेंडा हुआ, जो वही नहीं है तो भारत में कहां से हो। तो आइडियोलॉजी को स्वयं यूरोप तो जानता ही है ना कि क्या है। संयुक्त राज्य अमेरिका में ही सबसे ज्यादा इन चीजों का अध्ययन हुआ है, और उसमें अगर आप 50 लोगों ने लिखा है, लेकिन मान लीजिए कि डी मैकलियन की ही जो पुस्तक है आइडियोलॉजी, आइडियोलॉजी क्या है, आइडियोलॉजी के विषय में, तो उसमें साफ बताया है ना उसने कि भाई इसमें तो कुछ इथिकल बिलीफ्स होते हैं, कुछ सिंबल्स होते हैं, कुछ प्रोपेगेंडा होता है, और किसी एक पर्सन या किसी एक समूह के प्रति विश्वास पैदा करना, ये आइडियोलॉजी है। बिलीफ्स टू ए पर्सन और ए ग्रुप, इसमें पॉलिटिकल एलिमेंट्स भी थोड़े से होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा क्या होता है, सिंबल्स होते हैं, स्लोगन्स होते हैं, प्रोपेगेंडा होता है, उसको आइडियोलॉजी कहते हैं। लेकिन यहाँ चल गया। अब चल गया तो शब्द भर नहीं चला, शब्द चल जाता कोई बात नहीं, ठीक हो जाते। इसमें जो सबसे बड़ी गड़बड़ हुई, इसमें शुरू में इंग्लैंड ने, इसमें इंग्लैंड की योजना थी कि भारत में कोई अगर सीधे अंग्रेजों का समर्थन तो कैसे करेगा, जब हम यहाँ इतना अत्याचार कर रहे हैं, जो समझदार है वो तो अंग्रेजों को भगाना चाहेगा, तो वो हमारी जब शिक्षा प्राप्त कर ले, भारतीय शिक्षा संस्थाओं को नष्ट कर दिया, भारत की ज्ञान परंपरा को नष्ट कर दिया, तो ये हुआ कि हमारी शिक्षा को जब प्राप्त करो तो अगर आप ईसाई तो कहाँ से बनोगे, उन्हें अच्छे से पता था। क्यों पता था? क्योंकि रॉबर्ट डी नोबली के से लेके सबने ये लिख दिया था कि भाई हमने बड़ी कोशिश कर ली, लेकिन यहाँ के लोग जो हैं वो तो ईसाई तो नहीं बनेंगे, पैसे के बल पे, अभाव के कारण लोगों को फुसला लोगे तो देखने को बन जाएंगे, मन से वो भी ईसाई नहीं बनेंगे, क्योंकि यहाँ अलग परंपरा है, लोग जानते हैं कि क्या चीज़ है, ईसाई कोई नहीं बनेगा, लेकिन वो अपने को चर्च में लालच, कुछ पैसे के लालच में ईसाई बन भी जाए। तो जो यहाँ के बड़े लोग हैं, तो उसने उन्होंने कई लोगों की रिपोर्ट से उन्होंने कहा भाई ये ज्यादा से ज्यादा हम इनको एथिस्ट बना देते हैं, मतलब ये किसी भी पंथ पर, किसी भी मत पर विश्वास न करें, शंका पैदा कर दें, इतना तो हो सकता है। तो जब उन्होंने देखा कि ये तो हमारे ईसाई तो ठीक से बनने वाले नहीं है, जो यहाँ के प्रभावशाली लोग हैं, क्योंकि शासन तो प्रभावशाली लोगों के द्वारा ही चलता है, तो उन्होंने कोशिश की कि इनको मार्क्सवादी बना दो जितना हो सके। तो ब्रिटेन ने जो जिनको जेल में बंद करता था, उन सब लोगों को, बंदियों को मार्क्सवाद की पुस्तकें सुलभ कराते थे इंग्लैंड के ब्रिटिश अफसर, ब्रिटिश भारतीय अफसर, इसका रिकॉर्ड। इसीलिए भगत सिंह हो, नेहरू हो, कोई भी, इनको मार्क्सवाद की पुस्तकें, कम्युनिज्म की पुस्तकें दी जाती थी, जब तक वो अलग से मांग नहीं करें। गांधी जी जैसे लोग हैं जो मांग करते थे, उनको भी दी गई, लेकिन उन्होंने साथ में कुछ और मांगा तो वो पढ़ लिया। तो इंग्लैंड का ये प्रयास था कि यहाँ के लोग जो हैं, कम से कम जो प्रभावशाली राजनीतिक इच्छा वाले और आकांक्षा वाले लोग हैं, वो मार्क्सवाद की ओर झुक जाएं। परिणाम ये निकला कि मार्क्सवाद के प्रति सबसे ज्यादा अज्ञान फैल गया। यानी उन्होंने कहा कि ये कोई मजदूरों का कल्याण करने वाली, संसार के मजदूरों को एक करके यहाँ के संसार भर में धनी लोग लगातार शोषण कर रहे हैं गरीबों का, मजदूरों का, उनको सदा के लिए समाप्त करने वाली कोई विचारधारा है, और लोग इस चक्कर में आ गए। तो क्या सचमुच लोग विचार से चक्कर में आ गए? कौन चक्कर में आ गया? साधारण आदमी तो जानता भी नहीं था कि रूस क्या है, क्रांति क्या है, भारत का सामान्य व्यक्ति क्या जानेगा। जो पॉलिटिकल क्षेत्र में सक्रिय लोग थे, उनमें से जो भावुक लोग थे, वो इस चक्कर में आ गए। तो क्या सब भावुक लोग थे? नहीं, बुद्धिमान लोग, काइया लोग, ठंडे लोग बहुत ज्यादा थे कांग्रेस में। तो ज्यादातर जब मार्ली मिंटो सुधार हुआ, उसके बाद काइया और धूर्त लोग बड़ी संख्या में
राजनीति में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने लगे। लोकमान्य तिलक के बाद जो लोग गए वो बड़े हिसाब से गए कि देखो भाई अंग्रेजों को तो जाना ही पड़ेगा, प्रथम महायुद्ध में हमारे मत पे जीते हैं, छल कपट कर रहे हैं, लेकिन आगे पीछे जाएंगे तो हम धीरे धीरे उनसे दोस्ती बढ़ा लें। तो कांग्रेस में होशियार लोग गए हैं, तो ये होशियार लोग गए ही इस भावना से थे। आप देखिए कि जो क्रांतिकारी हैं अथवा श्री अरविंद हैं और वीर सावरकर, इनके तो जीवन को पढ़ लीजिए, तो ये किशोरावस्था से देशभक्त, किशोरावस्था से कोई विदेशी वस्त्रों की होली जला रहा है, कोई वंदे मातरम गा रहा है, चाहे वो वीर सावरकर हो, चाहे डॉक्टर हेडगेवार हो, चाहे श्री अरविंद हो, इनका तो जीवन ही अलग है। लेकिन ये जो कैलकुलेटेड लोग हैं, कैलकुलेशन के साथ राजनीति में जा रहे हैं, हिसाब किताब लगाकर ठंडी राजनीति, ठंडी धारा वाली जो राजनीति करने वाले लोग हैं, इनको पता था कि ये तो बस कुछ दिनों की बात है, ये हम पर बहुत निर्भर करते हैं अंग्रेज, तो इनको जाना पड़ेगा। तो होशियारी आ गई कि धूर्तता आ गई, वही जैसे कि हिंदू राजा थे ना, धूर्तावश बदला लेना है दूसरे राजा से, तो मुसलमान को साथ ले लिया है ना, मानसिंह अकबर से मिल गए, फिर मिलके किया क्या, तो महाराणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी से, वो लोग मिर्जा राजा जयसिंह छत्रपति शिवाजी महाराज से लड़ने पहुंच गए, उसके पहले मानसिंह महाराणा प्रताप से लड़ने पहुंच गए, वो अलग बात है, परिणाम भयंकर हुआ, लेकिन शुरू में लालच ये हुआ कि हम अपना राज्य बढ़ा लें। तो इसी तरह ये लोग शुरू में लालच में गए कि भाई ठीक है, ये क्रांतिकारी हैं, देशभक्त लोग हैं, ये तो आगे पीछे भगा ही देंगे, फिर हमारे सैनिक हैं, अंग्रेज तो हम पर निर्भर करते ही हैं, लेकिन जब अंग्रेज जाएं तो हम कुछ ऐसा जोड़ तोड़ करें कि हम कुछ चली जाए, ठीक है। अब जो इस तरह के चालाक लोग थे, इनको पूरी खबर थी सोवियत संघ की वहां हुआ क्या है, तो इन्होंने समझ लिया कि ये मॉडल ज्यादा अच्छा है। क्यों? क्योंकि ये पता था कि वहां तो झटके से लूटपाट मार काट करके सत्ता हथिया ली गई, और इस सत्ता को हथियाने के लिए सर्वसाधारण में प्रचार ये कर दिया गया कि हम गरीबों की सरकार हैं, हम गरीबों की पार्टी हैं, हम गरीबों का हित करेंगे। तो इसलिए जवाहरलाल नेहरू और दूसरे लोग जो ज्यादा झूठ थे, वो सबके सब समाजवाद के प्रति आकर्षित हुए, कोई विचार के कारण नहीं हुए। विचार के कारण कोई जो किशोरावस्था में जैसे भगत सिंह कम उम्र थे, वो लोग बेचारे सुने कि सोवियत संघ में कोई क्रांति हो गई है 1917 में, कोई मजदूरों का राज आ गया, प्रोपेगेंडा मटेरियल, तो वो सचमुच वो हो गए। लेकिन जो वयस्क था, परिपक्व था, पढ़ लिख रहा था, इंग्लैंड जो आया था, रूस की खबर रख, उसे अच्छी तरह पता था कि क्या चालबाजियां होती, तो उसने सोचा अच्छा अब ये चालबाजी से राजनीति होती है, यही दौर है, जैसा मैंने बताया ना, हिंदू राजा मारे चालाकी के मुसलमानों को साथ देते थे, अब ये नए चालबाज लोग हिंदू राजाओं की परंपरा में जो नए ब्रिटिश भारतीय राजनीति के राजा लोग आए, वो सोवियत संघ से प्रेरणा लेके समाजवादी कहने लगे। तो अब कहने तो लगे ये तो बातें हो गई ना, बातों से स्पष्ट नहीं होता, तो इसलिए ये जरूरी है कि हम लोग यानी सभ्यता अध्ययन केंद्र के जो हमारे श्रोता बन हैं और आगे भी जो लोग सुनना चाहें, वो सत्य जाने तो उनको जानना चाहिए कि रूस की सच्चाई क्या है। तो रूस की जो सच्चाई है उसको जब हम जानेंगे नहीं तो फिर कैसे काम चलेगा, पता ही नहीं चलेगा। तो रशिया जो है, ये आप जानते, ज्यादातर लोग शायद जानते हो, लेकिन याद दिला दें कि भाई पहले तो ये वहां पीटर नाम का एक राजा था, वो तो काफी अत्याचारी था 1682 से 1725 तक। फिर नेपोलियन बोनापार्टी का जब उदय हुआ तो उसने तो यानी 1812 में लगभग रूस को जीत दिया था नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस से चल के, लेकिन फिर रूस की ठंड ऐसी भयंकर थी कि वो फ्रांस में ठंड का जो अभ्यास था उससे कई गुनी ठंड, रूस के साइबेरिया वगैरह कई इलाकों में, रूस बहुत बड़ा क्षेत्र है तो उसमें कई तरह की जलवायु थी, तो उसमें कुछ इलाकों में इतनी ठंड थी कि उसके सैनिक ठिठुरने लगे, ज्यादा उन लोगों के पास तब तक भारत से गर्म कपड़े नहीं गए थे गर्म देशों से, और उनके देश में तो गर्म कपड़े थोड़े से ही हो पाते थे भेड़ की ऊन से, बाकी तो कोई खास वहां कपड़ों का तब तक चलन नहीं था 19वीं शताब्दी के आरंभ में। तो उनके सैनिक ठंड से सिहर के, लगा कि प्राण चले जाएंगे, तो उन्होंने कहा वापस चलो, तो नेपोलियन जीतते जीतते लौट गया और तब तक रूसी सेना ने पीछा कर लिया। तो 1812 में जो नेपोलियन बोनापार्ट रूस को जीत रहा था, उसको ठंड के कारण जब वापस लौटना पड़ा, तो इसके कारण क्या हुआ कि रूस
उसमें एक नया आत्मविश्वास तो आया, लेकिन फिर वहां इस बीच ये लोग यहाँ के बहुत सारे लोग यूरोप के जो पश्चिमी यूरोप के सोशलिज्म की बात सुनते थे, ये बहुत सताए। यूरोप में बहुत खस्ता हालत थी, बहुत ही भयंकर गरीबी थी, दीनता थी, हीनता थी, और सारे ही किसानों को सर्फ बना रखता था, यानी दास। खेती तो वो करते थे पर वो दास थे, इसीलिए वहां इतना दमन संभव हुआ। भारत में किसानों का दमन जवाहरलाल नेहरू क्यों नहीं कर पाए? यहाँ के किसान स्वाधीन वीर सेना सैनिक शस्त्र धारण करने में सक्षम, वो तो मार डालते, और वहां पहले से दास थे। तो अंत में उसने दास प्रथा किसी तरह नष्ट तो की निकोलस द्वितीय ने थोड़े समय, लेकिन जो वहां के पश्चिमी यूरोप से प्रभावित लोग थे, उन्होंने देख लिया कि बड़ा विक्षोभ है, बड़ी कमजोरी है। इसी बीच जापान से लड़ाई में कई बार जापान ने रूस के कई हिस्सों को दबा लिया, उधर जर्मनी चढ़ा आ रहा है, तो इस असंतोष का लाभ उठाया। तो ये जो समाजवादी और कम्युनिस्ट हैं, ये वस्तुतः कैसे बढ़े हैं रूस में? बातें तो हैं कि मजदूरों की शक्ति स्थापित करेंगे, मजदूरों का राज्य लाएंगे, लेकिन हुआ क्या? एक तरह से देशद्रोह, छिपा देशद्रोह कह लो, या देश युद्ध में उलझा है जापान से जर्मनी से, उसका फायदा उठाया। जापान और जर्मनी से रूस की जो टकराहट हो रही है, उसमें कब कई जगह जो मोर्चे में हार हो रही है, उससे रूस में देशभक्ति की जो भावना थी, उससे बहुत कम से कम सेना में और संपन्न लोगों में असंतोष आने लगा, तो इन्होंने उसका फायदा उठाया। तो जो सत्ता पलट हुआ है वो किस चीज से हुआ है? स्थापित शासन व्यवस्था के प्रति क्षोभ जगाकर, जन असंतोष भड़काकर सत्ता पर कब्जा किया गया। अब इसमें वो मजदूरों की एकता, वहां तो कोई मजदूर नहीं था ना। अब इसमें एक दूसरा पक्ष भी जानना चाहिए, आइडियोलॉजी के जो हल्ला होता है, तो आइडियोलॉजी की पोल भी जान लें आप लगे हाथ। ये तो कर्म के स्तर पर हुआ, अब विचार के स्तर पर भी देखिए जो सोवियत संघ में हुआ। अगर हमारे लोग जो पढ़े लिखे थे, और जो पढ़े लिखे हैं वो तो जानते ही हैं, लेकिन जो भावुक लोग हैं उनके लिए बता रहे हैं, जो समझते हैं कि समाजवाद कोई अंत में क्रांति का विचार है और अंत में तो मजदूरों का कुछ तो भला करता है, उनके लिए बता रहे हैं कि और मार्क्स को तो लोग मानते ही हैं कि ये गरीबों के पक्ष में था। अरे भाई, मार्क्स का पूरा राइटिंग ध्यान से पढ़ लीजिए, वो पक्ष में रहा होगा लेकिन अंत में वो ईसाइयत के पक्ष में था। इंग्लैंड जो है वो भारत को तहस नहस कर दे और यहाँ अपना शासन ला दे, इसके पक्ष में है। 1858 में जो रिपोर्टिंग कर रहा है 57 में, तब तक वो रिपोर्टर है, तो वो वर्णन की एक विशेष विधा है। अंग्रेजी 16वीं शताब्दी के बाद पहली बार विकसित हुई, पुरानी भाषा नहीं है, लेकिन बाद में उन लोगों ने बड़ी मेहनत की, तो उसमें फ्लावरी माने पुष्पिता भाषा बहुत है, पुष्पिता वाणी यानी जो रंग ऐसे खड़ा कर दे, तो वो बड़ा वर्णन करता है ये ब्रिटेन की सेना, ये तहस नहस कर रही, ये नाश कर रही। अब जो कम्युनिस्ट हैं, बदमाश हैं, झूठे हैं, लफंगे हैं, वो क्या करते हैं, वो उसका वही अंत देते हैं। भाई ये उन लोगों की एक शैली है, और इस बहाने वो देखने को दिखाते हैं कि दया कर रहे हैं कि अरे बड़ा अत्याचार हो रहा है, लेकिन वस्तुतः वो इससे पुलकित होते हैं। क्यों? क्योंकि बड़ा कठोर चित्त है आधुनिक राजनीति में, पहले भी यूरोपियंस का ईसाई के रूप में भी बहुत ही कठोर और क्रूर चित्त था। तो कठोर और क्रूर चित्त वालों की ये भाषा है कि पहले तो वर्णन करें, जिसमें ये छल भी है भाषा में कि लगे कि अरे भारत में इतना अत्याचार हो रहा है, लेकिन मन ही मन जो उनके अभिजन है, भद्रजन है, वो खुश होते हैं, देखा अरे अपनी सेना है, अच्छा मार रही, ऐसे वर्णन करता था। और अंत में कहता था कि भाई मुसलमान शासन करें उससे अच्छा है ईसाई अंग्रेज शासन करें, तो वो तो मार्ग का साफ है। लेकिन फिर भी कम से कम उसने शब्दावली में कहा, लेकिन ये मार्क्सवादी भी नहीं है, इसको बताने के लिए मैं बता रहा हूँ कि बावजूद इसके कि मार्क्स स्वयं कोई न्याय चाहने वाला, विश्व में सचमुच न्याय व्यवस्था लाने वाला, सभी देशों और सभी कौमों के प्रति न्याय भावना रखने वाला व्यक्ति नहीं था, खुदेआम इंग्लैंड और ईसाइयत के प्रति पक्षपाती था, फिर भी जो सिद्धांत प्रतिपादित किया उसमें लफाजी के लिए ही सही, उसने एक विचित्र सा सिद्धांत प्रतिपादित किया कि सभ्यताओं का विकास वर्ग संघर्ष से होता है, और जो अधिक मेधावी और होशियार लोग होते हैं वो कम मेधावी लोगों का शोषण करते हैं। तो शोषण करते हैं, देखिए उनके तो सिद्धांत में ही क्रूरता नहीं, शोषण करते हैं तो बहुत बुरी चीज है ये कहेंगे मुंह से, लेकिन साथ ही ये बताएंगे कि नहीं कोई बात नहीं, लेकिन इससे सरप्लस आता है,
इससे अतिरिक्त मूल्य आता है जब वो जितनी मेहनत है उसके तुलना में कम दाम। अब ये सब लफाजी है कि कितनी मेहनत है, कौन तय करेगा, उस मेहनत में ये हिसाब नहीं लगाया कि मजदूर जो मेहनत कर रहा है किसी कारखाने में कर रहा है तो उस कारखाने की स्थापना भी तो किसी पूंजी से हुई है, पूंजी का हिसाब ही नहीं लिया। कहा कि ये इतने घंटे का श्रम ये होगा और ये जो उत्पादित माल होता है उसकी कीमत इतनी अधिक है, तो ये जो बीच का अंतर है कि उसने मेहनत तो की समझ लो दिन भर में 300 रुपये की, उसको मिले 100 रुपये और उसकी मेहनत से जो चीज़ पैदा हुई वो बाजार में बेची गई 500 रुपये की, तो ये 100 रुपये और 500 रुपये के जो बीच का अंतर है ये 400 रुपया बिचौलिए और धनी लोग खा जाएंगे। तो यही सभ्यता के विकास का शोषण, शोषण से ही सभ्यता विकसित होती है। और इसको उसने वर्ग संघर्ष कहा कि वो सीधी बात तो इसमें यह है कि जब धनी लोग गरीबों को और होशियार लोग मंदबुद्धि लोगों को दबाते हैं तो सभ्यता विकसित होती है, ऐसा भद्दा सिद्धांत है। लेकिन चूंकि उसको लफाजी में कहा तो कह दिया कि वर्ग संघर्ष से वर्ग सभ्यता विकसित होती है। और उसमें अंतर नहीं ये था कि इसमें भेदभाव होता है, जिससे मेहनत कराते हैं उसको उसका दाम नहीं देते और बीच का सरप्लस खा जाते हैं, इससे सभ्यता विकसित होती। उसके पहले सामंतवाद के लिए भी यही था कि वो आपसे खेत जुतवा लेता है सर्प से, मजदूरों से, और उनको बदले में थोड़ा सा खाने पीने का, क्योंकि वहाँ गरीब बहुत कम होता और ज्यादातर जो वहाँ के किसान थे वो सभी जगह पूरे यूरोप में दासवत ही रहते थे। तो ये जो लोग गुंडे लफंगों की तरह होते थे वही अपने को एलीट कहते थे, वो उनको कुछ दे दिया, चलो रे बनवा मजदूर की तरह कुछ दे दिया, इसी को उसने कह दिया। ये सामंतवाद भी ऐसे विकसित हुआ और फिर कह दिया कि पूंजीवाद भी ऐसे ही होगा, मजदूरों से काम कराएंगे पैसा कम लेंगे। चलिए लेकिन कहा क्या अंत में इसी सिद्धांत में पेच ये है कि उसका कहना है कि सभ्यता जैसे जैसे विकसित होगी प्रौद्योगिकी वैसे वैसे विकसित होगी, तो अभी तो जो सामंतवाद में जो सर्प था किसान खेतिहर मजदूर था वो तो बहुत ही दीनहीन था, फिर उसके बाद पूंजीवाद में भी अभी मजदूर दीनहीन दशा में है, लेकिन अब पूंजीवाद के अगले चरण में जब प्रौद्योगिकी उन्नत होगी तो प्रौद्योगिकी के कारण जो उसमें मजदूर है इंडस्ट्रियल लेबर है इंडस्ट्रियल वर्कर औद्योगिक कर्मचारी है, जैसे आजकल कंप्यूटर ऑपरेटर आदि और कंप्यूटर के बड़े बड़े संयंत्र चलाने वाले और विज्ञान और तकनीकी के बहुत बड़े बड़े केंद्रों में कार्यरत कर्मचारी हैं उनको वो प्रोलेटेरियट कहता है, सर्वहारा, जो बड़े बड़े संस्थान और संयंत्र चला रहे हैं परंतु उसके स्वामी नहीं है, स्वामी कोई नेता या धनी लोग। तो बोले ये लोग फिर क्रांति करेंगे क्योंकि इनके पास तो आधुनिकतम प्रौद्योगिकी का ज्ञान है और ये सत्ता अपने हाथ में लेंगे और फिर अचानक उन्हीं प्रौद्योगिकी के संयंत्रों के बल पे इन धनियों को और शासकों को मार डालेंगे और फिर उसके बाद कुछ समय तक लगातार इस तरह हत्या आदि करते रहेंगे और उसके बाद फिर जब सारे ही शोषक सारे ही धनी सारे ही पूंजीपति नष्ट कर दिए जाएंगे दबा दिए जाएंगे तो उसके बाद फिर कुछ नहीं बचेगा, फिर सब शौक से रहेंगे और जिसको जितनी जरूरत का है वो उसको मिल जाएगा, आराम से रहेंगे लोग, कम उचित श्रम करेंगे उचित आमदनी प्राप्त करेगी, कविता लिखेंगे संगीत सुनेंगे आनंद करेंगे। ये एक ईसाइयत भी ऐसे ही बढ़ी, ये यूरोप की परंपरा है कि भविष्य के विषय में सपने दिखाना। तो पहले क्रिश्चियनिटी ने सपने ये दिखाया था कि आज तुम सफरिंग कर लो, आज तुम चर्च के लिए कष्ट सह लो, बाद में मरने के बाद तुमको क्राइस्ट की कृपा से साल्वेशन मिलेगा। अब इन लोगों ने वो क्राइस्ट और क्रिश्चियनिटी के अत्याचार से यूरोप में जो घृणा फैल गई थी चर्च के बारे में, तो इन्होंने चर्च के विरुद्ध तो बातें कही कि ये अफीम है ये नशा देता है आदि, लेकिन फिर संस्कार तो वही थे। तो अब ये कह दिया कि भविष्य में एक दिन ऐसा आएगा जब सब लोग बस आराम से कमाएंगे, सबको ठीक खाने को मिलेगा और कविता लिखेंगे, ये समाज के सब हैं, कविता पढ़ेंगे कविता लिखेंगे संगीत सुनेंगे आनंद से रहेंगे, कोई शोषण रहेगा ही नहीं। ये क्या है, ये भविष्य का सपना। लेकिन बीच में करेंगे क्या, तो बीच में सत्ता पर कब्जा करेंगे, हत्या करेंगे सारे शोषकों की और धनियों की, साफ साफ ये है ना कि जो शोषक हैं वो शोषित किए करेंगे, जो गरीबों को सता रहे हैं उनको सफाया कर देंगे, ठीक। लेकिन कहाँ होगा ये, तो उसने कहा जो अधिक विकसित समाज है वही हो। अब लेनिन को और स्टालिन को ये शब्द तो समझ में आ गया कि अच्छा राजनीतिक हत्या को वैधता, मतलब हत्याएं तो राजनीति में होती नहीं यूरोप में, लेकिन उसको थ्योराइज करना, उसको वैधता देने वाला एक ये विचार है। तो उन्होंने कहा ये मार्क्सवाद से हम ले लेते हैं,
तब प्रश्न उठा कि अगर मार्क्सवाद से लेते हो तो मार्क्स तो साफ कहता है कि जहाँ औद्योगिक ढंग से विकसित समाज है वहीं क्रांति होगी, तो इससे क्या मतलब। मन में तो लालच था, हत्या के पक्ष में मार्क्स ने बहुत तर्क दिया है। कहिए नहीं नहीं वो खेतिहर रूस खेतिहर समाज है जहाँ मार्क्स के किसी भी सिद्धांत के अनुसार क्रांति नहीं हो सकती। तो स्टालिन लेनिनवाद आ गया। लेनिन ने कहा नहीं, हम मार्क्स ने हीगल को सर के बल खड़ा किया था, हम मार्क्स को सर के बल खड़ा कर देते हैं। ये सब फ्रेजियोलॉजी है, मुहावरेबाजी है, इसको विचार से क्या लेना देना। ऐसी लफ्फाजी जिसको हमारे यहाँ जल बितंडा कहते हैं वो है ये। तो कहा कि साहब जैसे मार्क्स ने हीगल को सर के बल खड़ा किया था, अब हम मार्क्स को सर के बल खड़ा करके उसका मूल ले लेते हैं। मूल क्या था वस्तुतः, इन्होंने तो कहा कि मूल ले लेते हैं सर्वहारा की क्रांति, लेकिन जब सर्वहारा तुम्हारे यहाँ है ही नहीं है, इंडस्ट्रियल लेबर को सर्वहारा कहते हैं, रिक्शा चलाने वाले और साधारण खेती करने वाले खेतिहर मजदूर, इसको सर्वहारा नहीं, इसको पेटी बुर्जुआ कहता है मार्क्सवाद, मार्क्स की भाषा में। तो पेटी बुर्जुआ को उसने सर्वहारा कह दिया। क्यों ये बेईमानी, बौद्धिक बेईमानी? क्योंकि भाई उद्देश्य साफ था, हत्या करनी है, छल करना है। तो एक तो ये जानना चाहिए कि वो तो आए ही हत्या और छल के द्वारा सत्ता पर कब्जे के इरादे से थे, लेकिन प्रोपेगेंडा के कारण यहाँ लोग क्या समझते हैं, सारे देश में जो पढ़े लिखे लोग हैं वो ये मानते हैं कि नहीं, उन्होंने क्रांति तो मजदूरों के पक्ष में की थी ना भाई, कम्युनिस्ट क्रांति तो ये ठीक है, थोड़ा एबरेशन कर दिया, थोड़ा विचलन हो गया, थोड़ा ज्यादती हो गई, क्या करें, उतना अच्छे से नहीं किया जितना करना चाहिए था, उतना सुंदर ढंग से नहीं किया, थोड़ा ज्यादती कर दी। अरे भाई ज्यादती है, हत्या करोड़ों रूसियों की हत्या की, आप उसको जरा सी ज्यादती कहते हैं। तो अब इसमें दो पक्ष हैं, पहली बात ये अज्ञान भर का मामला नहीं है, कुछ तो अज्ञान भी है कि प्रोपेगेंडा को सच मान लिया, लेकिन सवाल ये है कि कम से कम जो शीर्षस्थ शिक्षित भारतीय हैं और शिक्षित कम्युनिस्ट और समाजवादी हैं उनको तो पता था ना, श्री अरविंद के समय ही ये तथ्य आ गया था कि रूस में भयंकर हत्याएं हो रही हैं, किसानों को मारा जा रहा है, और रामस्वरूप जी एक बहुत बड़े दार्शनिक थे, उन्होंने पुस्तकें ली दी थी, प्रेजेंट्स रिवॉल्ट पे बहुत अमेरिका और पश्चिमी यूरोप में बहुत पुस्तकें आई थी, और स्वयं रामस्वरूप जी ने पुस्तक लिख दी थी कि रूस में तो किसानों की हत्या हो रही है। तो इसका अर्थ है कि समाजवाद और कम्युनिज्म के नाम पर राजनीति में ऐसा प्रशिक्षण किया जाता है कि उसके मुख्य लोग न केवल झूठ बोलते हैं, न केवल छल करते हैं, अपितु नीचता, विश्वासघात, झूठा प्रोपोगेंडा, हत्याएं, क्रूरता, कठोरता, इन सबको उचित मान लेते हैं। इसका अर्थ है कि कम्युनिज्म और सोशलिज्म के नाम पे मानव जाति की एक बहुत ही घिनौना समुदाय खड़ा होता है, जो राजनीति के नाम पे केवल नीचता, हत्या, क्रूरता, कठोरता, इनको ढकता है, और इस ढकने के लिए आइडियोलॉजी बताता है कि तो मजदूरों का एक दिन मजदूरों का शासन आएगा, वो अभी तक तो नहीं आया। क्रांति हो गई, क्रांति खत्म भी हो गई, फिर रूस आ गया, मजदूरों का शासन नहीं आया। तो आइडियोलॉजी की सच्चाई क्या है, स्वयं मार्क्स के विचारों के अनुसार रूस में कम्युनिस्ट क्रांति असंभव थी और चीन में महाअसंभव थी। तो लेनिन ने और स्टालिन ने मिलकर झूठ बोला और तब केवल मार्क्स का वो अंश ले लिया जहां उन्होंने कहा था कि जब सर्वहारा क्रांति करेंगे तो शोषकों की हत्या करेंगे और उनका दमन करेंगे, वो ले लिया। तो ये आइडियोलॉजी एक कवर है ऐसी राजनीति का जिसमें पापाचार है, क्रूरता है, कठोरता है, हत्या है, नीचता है, कलघात है, विश्वासघात है, झूठ है, झूठ का प्रोपेगेंडा है, केवल। और भारत में इसके लिए अनुकूलता बनी, इसका अर्थ है कि भारत में राजनीति के नाम पर अब एक नया वर्ग आ रहा है। अब मतलब 1924 के बाद से ही एक नया वर्ग तैयार हो रहा है। गांधी जी ने भी थोड़ी चतुराई की थी, लेकिन ऐसी क्रूरता और उसको तो नहीं किया था, थोड़ी चतुराई छल किया, विभाजन के समय क्रूरता भी की कि हिंदू मर जाए तो मर जाए, पहले झूठ बोलो कि मेरी नीति में स्वीकार्य नहीं थी। लेकिन ये जो कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट है, ये तो मानो नीचता इनमें इनबिल्ट है। तो जैसा हमने बताया कि रूस में निकोलस द्वितीय के शासन में जब जापान और जर्मनी इसका सामना हो रहा था,
उस समय इन्होंने गृह युद्ध छेड़ दिया। और सेना में जो कुछ उनकी नीतियों से कि भाई हाँ, क्योंकि जो सेना थी स्वामी भक्त सेना थी, साथ में देशभक्त भी थी, तो उसमें जो विक्षोभ पैदा हुआ उसका लाभ उठा के बोल्शेविक क्रांति। अब झूठ का दूसरा माने, पहले तो जो क्रांति हुई वो कैसे हुई, अपने राज्य से विद्रोह, स्थापित व्यवस्था से विद्रोह, और उसमें छलघात और सत्ता पर कब्जे की योजना। इसमें भी फिर कई चरण है। शुरू में सारे कुछ किसानों के जो मुखिया लोग थे और संपन्न लोग थे उनको साथ लिया, फिर बोल्शेविक पार्टी बनी। तो 1917 में जो हुआ वो बोल्शेविकों ने एक अस्थायी सरकार बनाई थी। अस्थायी सरकार बनने के बाद जार को इस्तीफा देना पड़ा, वो भाग गया, भगा दिया इन लोगों ने। और फिर कुछ समय बाद फिर मारकाट गृह युद्ध शुरू हो गया, और उस गृह युद्ध में छल प्रपंच धोखे से कम्युनिस्ट सत्ता में आए। तो वस्तुतः है कम्युनिस्ट शासन सोवियत रूस में कब बना है, 1922 में। और प्रचार क्या किया जाता है, यहाँ सारी पुस्तकों में पढ़ाया जाता है, आप कोई भी पढ़ लीजिए भारत में, कि 1917 में सोवियत क्रांति हुई। झूठ के आधार भाई, 1917 में रूस में बोल्शेविकों ने कुछ जगह सत्ता में कब्जा किया था, और उसके कुछ समय बाद जार को भागना पड़ा था उससे इस्तीफा देके, इन्होंने भगाया, हत्या का डर था, वो अलग बात। और इसके 5 साल बाद 1922 में कम्युनिस्ट पार्टी ने गृह युद्ध में मार काट, इसको धोखा देना, उससे समीकरण था, वो बहुत लंबा है, उसको बताएंगे तो 1 घंटा लग जाएगा, पूरा विस्तार से सब छपाया दुनिया भर में। तो 1922 में तो मामूली बातों में भी झूठ, ये बता रहे हैं, बड़ी बात में झूठ, विचारधारा में झूठ, इसमें भी झूठ कि 1917 में जो बोल्शेविक आए थे, यानी कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट और कई तरह के किसान समूह, इनका एक संयुक्त मोर्चा जो सत्ता में आया था, उसको भी सोवियत क्रांति और कम्युनिस्ट क्रांति कह देते हैं। कम्युनिस्ट क्रांति 1922 में हुई है, सब जानते हैं। आप 1917 क्यों करते हैं, भारत में पढ़ाया जाता है, क्यों, क्योंकि ये सोवियत दलाल यहाँ बैठे थे। तो इस स्तर पर भी झूठ है, ठीक है। अब इसके बाद उसी समय इन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी ने बहुत बड़े इलाके में कब्जा कर लिया। तो क्यों कर लिया, क्योंकि लेनिन ने यह आश्वासन दिया था, देखिए हम जो शुरू में हमने जो कहा था वो सबसे महत्वपूर्ण बात है, कि भारत के राजनीतिक लोगों में जो विकृति आई है कलिकाल के कारण, या जिस कारण भी काल प्रवाह थे, वो ये है कि अपनी महानता का स्मरण ही नहीं है, और दूसरों की क्षुद्रता को अपना लेते हैं, या वो उनको आकर्षित करती है, आकर्षक लगती है। तो इतना ही बड़े झूठ को ऐसे अपना रखा है, समाजवाद कुछ भी हो, गरीबों और खेत किसानों के लिए क्रांति हुई, भाई कोई गरीबों किसानों से लेना देना नहीं, और उसने छलघाट से सत्ता पर कब्जा किया, ये सब जानते हैं। लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि ईसाइयों की पोल इसमें बहुत खुलती, जो सोवियत संघ में हुआ उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण पक्ष, जिधर कोई ध्यान नहीं देता, कि ईसाइयों की कितनी आपसी लड़ाई, यहाँ तो लोग हिंदुओं की आपसी लड़ाई की चर्चा करते हैं, संसार में सबसे ज्यादा संगठित, सबसे कम आपस में लड़ने वाला समाज हिंदू समाज है आज भी। अरे बसपा भी ब्राह्मणों से समझौता कर लेती है, इससे ज्यादा क्या प्रमाण। तब लड़ाई नकली थोड़ी सी है जैसे घर में होता है, लेकिन अंत में उस तरह की खूनी लड़ाई नहीं। अगर मायावती ब्राह्मणों से राजनीतिक समझौता कर सकती हैं, तो इससे पता चलता है कि हिंदू समाज भीतर से कितना एक है, कितना संगठित और सुदृढ़ है। अगर वास्तविक घृणा, वास्तविक विरोध रहे, तो कभी ऐसी एकता थोड़ी होती है जिस घृणा। तो ये जो रोमन कैथोलिक चर्च वाले लोग हैं, ये इतनी ज्यादा घृणा करते हैं ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्च से, पहले प्रोटेस्टेंट भी करते थे, प्रोटेस्टेंटों की तो हत्या कर देते थे संगठित होते, तो ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्च को खत्म करने के लिए रोमन कैथोलिक चर्च और प्रोटेस्टेंट चर्च दोनों के पादरियों ने लेनिन को बढ़ावा दिया। ये सोचा कि ये वहां एथियज्म ला देगा, कम्युनिज्म ला देगा, तो फिर हम धीरे से कैथोलिसिज्म ला देंगे। और लेनिन की बातचीत थी पादरियों से, और गुप्त रूप से कोई संधि हुई होगी। तो ये जो संधि हुई है, ये इंग्लैंड और फ्रांस के पादरियों की मिली भगत से, नतीजा ये हुआ कि मौका लगाकर लेनिन ने आसपास के कई इलाकों में कब्जा कर लिया। और बाद में जब प्रथम महायुद्ध के बाद उसको कह दिया गया, अच्छा चलो तुम कब्जा किए रहना, लेकिन तुम हमारा साथ दे। कैसे तात्कालिक सब हो रहा है, इसको देखें, इसको विचारधारा कहां, क्योंकि थोड़े समय पहले उस्मान वंश से जब रूस की टकराहट हो गई थी,
तुर्कों से, तुर्की साम्राज्य जिसको ये ऑटोमन एम्पायर कहते हैं, ऑटोमन उस्मान का बिगाड़ा हुआ रूप है, उस्मान वंश के तुर्की के साम्राज्य से रूस की जो टकराहट हुई उसमें इंग्लैंड और फ्रांस दोनों तुर्कों के साथ थे, रूस के विरुद्ध थे, लेकिन बाद में युद्ध के समय उनको संदेह हो गया कि तुर्की जापान से मिल सकता है, हालांकि वो खुल के नहीं मिला लेकिन छुप छुप के कुछ सहायता की, तो इन्होंने फट से इधर लेनिन को मदद कर दी, यहाँ ठीक है तो कब्जा कर दी। तो लेनिन ने क्या किया, जो तुर्की साम्राज्य के हिस्से थे ना, अजरबैजान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, यानी जो तुर्की साम्राज्य अभी कुछ समय पहले 50 साल पहले इंग्लैंड और फ्रांस का मित्र था और ये दिन रात मित्रता की पींगे मार रहे थे जर्मनी के साथ, इसमें कोई ईसाइयत इस्लाम का चक्कर ही नहीं है, जबरन यहाँ, जब यहाँ लोग ज्यादा ये सब बताते हैं ना, ईसाइयत इस्लाम कम्युनिज्म कोई विचार के झगड़े हैं, तो हंसी आती, कोई झगड़े नहीं है, तो जो राजनीतिक लोग हैं ये सत्ता पाने के लिए तीन तिकड़म चल फरेब करते हैं और अपने अनुयायियों को बहलाने के लिए सब करते हैं, इसीलिए किसी ईसाइयत की कसौटी पर एक भी व्यक्ति संसार में ईसाई नहीं है, ये गांधी जी कहते थे और बहुत से ईसाई लोग कहते हैं, और कुरान की कसौटी पर मुश्किल से 2-4 हजार लोग मुसलमान होंगे, तो ये सब आवरण है, साधारण लोग भोलेपन में उस आवरण में फंस जाते हैं और जो मुख्य राजनीतिक लोग हैं वो दूर उतरते हैं, तो इसी तरह कम्युनिज्म भी है। तो प्रथम महायुद्ध के बाद इंग्लैंड और फ्रांस की सहमति से लेनिन ने बहुत बड़े इलाके में कब्जा कर लिया, तुर्की का बहुत बड़ा अंश हड़प लिया और यूएसएसआर बना दिया। अब इसमें कौन सी विचारधारा आ गई भाई, तो 1922 में 15 गणराज्यों को हड़प कर यूएसएसआर बन गया और वो लार्जेस्ट कंट्री बन गया दुनिया का, 2.25 करोड़ वर्ग मील उसका क्षेत्र हो गया और 30 करोड़ आबादी हो गई। लेकिन फिर हुआ क्या है, इसके बाद भी लेनिन जैसे ही मरा, लेनिन ने कहा हमने मार्क्स को सर के बल खड़ा कर दिया, लेनिन 1924 में मर गया, 1917 में थोड़ी सी बोल्शेविकों के साथ मिलकर सत्ता में आए थे, 1922 में पूरी तरह कम्युनिस्ट पार्टी रूस में सत्ता में आई, तो 2 वर्ष कुल लेनिन शासन कर सका। लेनिन पर रोमन कैथोलिक चर्च ने भीतरी भीतर गुपचुप संधि करके दांव लगाया था, लेनिन मर गया, अब स्टालिन आ गए, ऐसे होता है राजनीति में। स्टालिन ने कहा कि नहीं, मैं केवल मार्क्सवादी नहीं हूं, मैं मार्क्सवादी लेनिनवादी, अब हमारे राज्य में मार्क्सवाद लेनिनवाद स्टालिनवाद करके एक नई चीज चल रही है। इनकी विचारधारा में कितना खोखलापन है, इसके लिए मैं केवल उदाहरण बता रहा हूँ, पहले मार्क्सवाद था, फिर लेनिन के समय मार्क्सवाद से लेनिनवाद आया, अब मार्क्सवाद लेनिनवाद के साथ स्टालिनवाद आ गया। दीजिए साहब, तो स्टालिन ने क्या किया, वो स्टालिनवादी हो गया, स्टालिनवादी होके क्या किया, किसानों की भयंकर हत्याएं करने लगे, उसको कह दिया कलेक्टिवाइजेशन, है ना, सामूहिकीकरण खेती का, और 4 वर्ष उसके कारण क्या हुआ सामूहिकीकरण का, सामूहिकीकरण में ये क्या करते थे, किसान के घरों की तलाशी लेते थे, किसान माने उनको तो मजदूर बना दिया, खेतों के मालिक पार्टी के बॉस होने लगे और किसानों के घरों की जो मेहनत करते थे मजदूर, घरों से निकाल लाते थे अनाज, ये दो जन सर्वहारा के लिए अनाज चाहिए, तो सर्वहारा के लिए अनाज से घर घर की तलाशी लेते और अंत में उनको छोड़ देते, तो लोग भूखों मर गए, करोड़ों किसान भूखों मर गए। अब जब ये हुआ तो जाहिर है कि फिर किसान कैसे काम करेगा, तो वो कोड़े मारते थे, जबरन खेती कराते थे, तो भी वो काम चोरी करने लगे, शिथिलता करने लगे, कुछ उनके शरीर में भी दम नहीं रहा, तो भीषण अकाल पड़ गया। उसी बीच 4 वर्ष तक भीषण अकाल पड़ा सोवियत संघ में, लेकिन फिर भी चूंकि वो घर घर जाके एक एक चीज छीन लेते थे, तो उन्होंने कहा हमने सरप्लस इकट्ठा कर लिया, क्योंकि मार्क्स से इन्होंने 2 चीज ले ली थी, एक राजनीतिक हत्या और एक सरप्लस का संचय सभ्यता के लिए आवश्यक है, तो सरप्लस का संचय करके क्या किया, औद्योगिक विकास किया, मुख्य थे उसी समय, उन्होंने पहली बार पहला चंद्रयान, पहला मानव रहित अंतरिक्ष यान भी आकाश में किसने भेजा, रूस ने, सोवियत संघ ने, और पहला चंद्रयान भी किसने भेजा, सोवियत संघ ने, और एक अन्य ग्रह में भी जीवन है या नहीं इसके लिए तलाश, यानी विज्ञान में सबसे अधिक धन लगाने लगे, क्योंकि महत्वाकांक्षा क्या थी कि हम विश्व की बड़ी शक्ति बन जाए, मजदूर का हित, तो गरीबों का कल्याण, मजदूरों को तो गया ना, आइडियोलॉजी क्या है, आइडियोलॉजी है कि मजदूरों के शासन की स्थापना के लिए हम क्रांति करेंगे, वो क्या रहा है,
स्थापित व्यवस्था से अपने राज्य से गद्दारी करके और अपने चर्च के विरुद्ध भी आश्वासन देकर रोमन कैथोलिकों से मदद लेकर सत्ता में आना, और इसके बाद आसपास का जिस तुर्क साम्राज्य उधर दूसरे पक्ष का क्या था, जिस तुर्क साम्राज्य से कल तक उनकी दोस्ती थी उसको दगा दे देना इस शंका से कि तुम जर्मनी से मिल गए हो और तुर्क साम्राज्य के बहुत बड़े हिस्से को उन्होंने भी, खैर वो हमारी कोई सहानुभूति नहीं है क्योंकि उन्होंने भी छीना ही तो था, ये सब अलग भारत के इलाके थे बहुत, तो अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, ये सब जो है किर्गिजिस्तान, ये मूलतः भारतीय इलाके हैं। तो इसमें पहले ब्रिटेन शासन करने की सोच रहा था क्योंकि यहाँ सब जगह भारतीय संस्कृति है, आज भी है बहुत जगह, तारीम घाटी से लेके और जो बल्क बुखारा वगैरह तो खैर पुराने हैं, अभी भी मतलब अफगानिस्तान वाले में आ गए हैं, लेकिन जैसे तारीम घाटी है या खोतान है यहाँ तो अभी भी आप पढ़ ही रहे होंगे कि चीनी क्षेत्र जो कहलाता है उसमें भी, चीनी तुर्कमेनिस्तान में भी बहुत सारी मूर्तियां आज मिल रहे हैं, तो ये भारतीय क्षेत्र था। तो इसको किसी समय तुर्क साम्राज्य ने हड़पने की कोशिश की थी, अब सोवियत संघ ने, इसे ग्रेट गेम कहते हैं, जब यहाँ इंग्लैंड कब्जा की कोशिश कर रहा है, कब्जा क्या भारत का तो ये इलाका ही था, उसने अपने काउंसिल और दूत रख लिए थे और भारतीय लोगों की सहायता से इंग्लैंड के लोग यहाँ बढ़ पाते थे, नहीं तो इंग्लैंड के लोगों को पता ही नहीं था, घबराते थे उस रेगिस्तान और दुर्गम घाटियों से, भारतीयों की मदद से ये बढ़ रहे थे, उधर वो रूस जो है कब्जे की कोशिश कर रहा था। अंत में जब प्रथम महायुद्ध की समाप्ति के बाद उन्होंने कहा जैसे ही कब्जा, तो कहां तो गरीबों का शासन, यहाँ साम्राज्य बढ़ा रहे हैं। और जब क्रांति खत्म हुई उसमें, क्योंकि समय कम है तो जल्दी जल्दी आते हैं, तो कितना गरीबों का भला किया कि जिस समय 1990 में उसके चरणबद्ध उपाय नहीं बता रहे हैं कि पहले निकिता क्रुश्चेव के समय किस तरह से, जो स्टालिन की मृत्यु के बाद निकिता क्रुश्चेव ने पोल खोली कि यहाँ तो बहुत हत्याएं हुई हैं, तो निकिता क्रुश्चेव के बाद फिर मिखाइल गोर्बाचेव आए तो उन्होंने ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका की बात की, और फिर क्रांति हो गई दूसरी, सोवियत क्रांति को उलट दिया गया, लेनिन और स्टालिन की जहां जहां प्रतिमाएं थी लोग उसमें जूते से चढ़ने, माने उसको गिरा के उसमें जूते से कूदने लगे, और सच्चाई कहा कि मजदूरों और किसानों का राज्य है, तो जब पोल खोले तो देखे कि वहां तो जार के शासन से कई गुना अधिक भुखमरी और बेरोजगारी, थोड़े से लोग सैनिक और पार्टी बॉस, सैनिक अधिकारी और पार्टी बॉस और जो बड़े बड़े वैज्ञानिक संस्थान है उसमें पर्याप्त साधन खींचे गए, लेकिन जो जनगण है जिनके लिए शासन बनाया गया था वो तो भूखों मर रहे थे। आप में से जो लोग उस समय 1989-90 में टीवी देखे होंगे वो जानते होंगे कि कूड़े के ढेर से डबल रोटी के टुकड़े बीन रहे थे। अरे गरीबों के नाम पर आइडियोलॉजी, गरीबों की रक्षा की आइडियोलॉजी कहाँ होती है ये दिखता है, यही चीन में हुआ, समय कम है इसलिए चीन का नहीं बताएंगे। मुख्य बात यह है कि अंत में 1991 में फिर रूस का रूस रह गया और रूस में फिर ऑर्थोडॉक्स चर्च आ गया, तो जो उन्होंने सोचा था कि हम कैथोलिक चर्च ले आएंगे वो नहीं हुआ, इसीलिए अब यूक्रेन, पहले यूक्रेन भी रूस का ही हिस्सा था, तो यूक्रेन के जिस हिस्से में रूसी बसे हैं उसको रूस अपने से मिलाना चाहता है, मतलब स्वाभाविक है उसी के लोग हैं, ईसाई भी हैं सब है, वो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन है, लेकिन कैथोलिक चर्च और प्रोटेस्टेंट चर्च के लोगों को परेशानी हो रही ईसाइयों को, तो वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं तुम कैसे मिलाओगे, तो वो आप देखिए एक ईसाई दूसरे ईसाई को वो भिन्न पंथ का इसलिए नष्ट करने के लिए यूक्रेन में लड़ाई हो रही, लंबी योजना, और सारी योजना क्या है, अपने ग्रुप अपने गिरोह का शासन बढ़ाना, राजनीति केवल इस स्तर पर हो रही, और चूंकि उनका ग्रुप अगर प्रभावशाली है तो थोड़ा लोग भी उससे आइडेंटिफाई कर देते हैं, तो समाज और राष्ट्र बोलने लगते हैं, लेकिन हमारे यहाँ समाज और राष्ट्र पर कैसे व्यवस्थित विचार है इस पर जब प्रसंग आएगा तब बताएंगे। उस तरह का समाज और राष्ट्र का विचार न तो कैथोलिक क्रिश्चियंस का है, न प्रोटेस्टेंट चर्च का है, न ऑर्थोडॉक्स चर्च का है, न इस्लाम का है, कम्युनिज्म का होने का सवाल ही नहीं उठता। तो आइडियोलॉजी क्या है, मुख्य बात जो है यहाँ कि ये आइडियोलॉजी का सहारा लेनिन और स्टालिन ने लिया, उसका प्रयोजन हत्याएं करना, क्रूरता करना, और उसको मजदूरों के हित में, भविष्य में कभी मजदूरों का शासन आएगा इस आश्वासन की आड़ में राजनीतिक हत्याएं करना, क्रूरता करना, और एक से एक पापाचार, गुलाग द्वीप समूह, आप अलेक्जेंडर सोल्जेनिस्टिन का पढ़ लीजिए, क्या भयंकर यातनाएं दी जाती थी, न केवल किसानों को तो दिया ही,
लेकिन जो बौद्धिक लोग थे, विद्वान थे, लेखक थे, विचारक थे, स्वतंत्र बुद्धि के थे, कम्युनिस्ट पार्टी के भी वो सदस्य जो स्टालिन और लेनिन से असहमत थे, उनको सबको यातना शिविरों में भेज दिया। जासूसी का ऐसा नेटवर्क बैठाया गया कि रात को यदि पति पत्नी भी कॉमरेड स्टालिन के विरुद्ध कुछ बोल देते हैं तो उसी समय थोड़ी देर में पुलिस आ जाएगी, खटखटाएगी दरवाजा और कहेगी कि आप चलिए पार्टी ऑफिस को साइबेरिया भेज दिए जाएंगे। इसका विस्तार के वर्णन अलेक्जेंडर सोल्जेनिस्टन ने किया, अब तो ब्लैक बुक ऑफ डेथ नाम की पुस्तक आई है, उसने और भी विस्तार से दिया है। तो आइडियोलॉजी, राजनीतिक सत्ता पापपूर्ण ढंग से लेना, बातें गरीबों मजदूरों की करना, लेकिन जितनी क्रूरता, नीचता, नृशंसता, पापाचार संभव है वो सब करना, इसके लिए आइडियोलॉजी कवर है। कम्युनिस्टों ने आइडियोलॉजी का आश्रय लिया, इन लोगों ने, क्रिश्चियनों ने पहले क्रिश्चियनिटी का आश्रय लिया था। अब जो यूरोप है, एनलाइटेंड यूरोप, उसमें जो पिछले 100 वर्षों में विज्ञान की जागृति के साथ और भारत और दूसरी सभ्यताओं के संपर्क में आने के बाद जो प्रबुद्ध यूरोप है, वो क्रिश्चियनिटी और कम्युनिज्म दोनों की तुलना में उदार है, दोनों की तुलना में उदार है। और थोड़ा करता तो है छल, जैसे मैंने बताया अमेरिका चाहता है कि, अमेरिकन जो चर्च है वो चाहता है कि ठीक है रूस की शक्ति अगर यूक्रेन में नष्ट हो जाए तो बाद में हम, यूक्रेन भी कैथोलिक रहेगा और इसको भी कैथोलिक बना लेंगे, रूस को भी। इस स्तर पर ये राजनीति चल रही है, लेकिन फिर भी जो एनलाइटेंड यूरोपियंस हैं वो थोड़ा उदार हैं और वो ये भी जानते हैं कि दुनिया लेन देन से ही चलती है, तो उनमें उतना उन्माद नहीं है जैसा कम्युनिज्म में, ईसाइयत में और इस्लाम में। लेकिन आइडियोलॉजी में वही उन्माद है जो क्रिश्चियनिटी और इस्लाम के नाम से लाया गया आइडियोलॉजी। लेकिन क्रिश्चियनिटी ने क्रिश्चियनिटी के नाम से पापाचार किया, इस्लाम में इस्लाम के नाम से पापाचार किया गया, जबकि न तो उनको कुरान में आस्था है मुसलमान नेताओं को और न ही उनको बाइबिल में आस्था है क्रिश्चियन नेताओं को। लेकिन आइडियोलॉजी के नाम से जो पापाचार हुआ वो कम्युनिस्ट पार्टी ने किया। और भारत में क्योंकि सोवियत संघ से प्रभावित बहुत से लोग हुए कि अरे क्रांति हो गई वहां, प्रोपेगेंडा के भी प्रभाव में आए, तो यहां सोशलिस्ट धड़े बहुत से बन गए, तो कांग्रेस भी समाजवादी, विरोध में भी समाजवादी, ये राजनीति का खेल चलता है। उस समय समाजवादी धारा के निकट था भारत का राजनीतिक प्रभु वर्ग, पॉलिटिकल न्यू इलीट, नया अभिजन जो राजनीति का था, जो इंग्लैंड के नियोग से पैदा हुआ था, अंग्रेजी शिक्षा के नियोग से उत्पन्न भारतीय राजनीतिक प्रभु वर्ग अपने को समाजवादी दिखा रहा था, इसलिए शासन और विपक्ष सब जगह समाजवादी, तो ये जानना चाहिए। तो अब कुछ लोगों ने उसी आइडियोलॉजी की नकल में नेशनलिज्म की आइडियोलॉजी ली है, क्योंकि जब तक आप राष्ट्र का सनातन धर्म से संपन्न स्वरूप प्रतिपादित नहीं करते, जो श्री अरविंद ने लिखा है और भारत के सभी शास्त्रों में है, सनातन धर्म की रक्षा, जिस पर हम यथासमय बात करेंगे, अभी तो इस श्रृंखला में शायद ज्यादा मौका नहीं लगेगा, जब तक सनातन धर्म के संरक्षण को ही राष्ट्र का कर्तव्य नहीं घोषित किया जाए, तब तक राष्ट्रवाद भी आइडियोलॉजी है। और आइडियोलॉजी सब अंत में अपने गुट की सत्ता दिलाने का आवरण होते हैं, अपने गुट को सत्ता में लाने के लिए कोई भी क्रूर कर्म करना, कोई भी पैशाचिक कर्म करना, छल प्रपंच करना, केवल अपने गुट के लोगों को बढ़ाना, योग्यता, विद्वत्ता, सांस्कृतिक चेतना, संस्कार, इन सब की कोई परवाह ही नहीं करना, आइडियोलॉजी का यही काम है। इसी आइडियोलॉजी की आड़ में कम्युनिस्टों ने पहले रूस में, फिर चीन में, फिर और भी पूर्वी यूरोप में काम किया है। आज समय अभाव था समय का, तो केवल रूस के बारे में बताए, चीन में इससे भी भयंकर पापाचार किए गए। चीन का तो लोमहर्षक है, यानी माओ तो पिशाच था, लेनिन स्टालिन लफंगे दुष्ट और नीच थे, माओ साक्षात पिशाच था, घृणित व्यक्ति था, और ये सब आइडियोलॉजी के। लेकिन हमारे लिए जो इससे ज्यादा महत्वपूर्ण बात है ये सोचने की कि इन दोनों ही आइडियोलॉजी, लेनिनवाद, स्टालिनवाद और माओवाद के समर्थक भारत के राजनीतिक कार्यकर्ता हो गए, बहुत बड़े कम्युनिस्ट पार्टी बना ली, मार्क्सवाद लेनिनवाद नाम की पार्टी बना ली। ये ऐसे कहने से नहीं होगा कि वो दुष्ट हैं, इसमें ये पता चलता है कि आधुनिक राजनीति में वो तत्व हैं कि राजनीतिक कार्यकर्ता इतना झूठा, इतना नीच, इतना खुलेआम हत्या और पक्षपात का पक्षधर हो सकता है, तो इसमें सावधान तो रहना ही होगा, संस्कार बदलने होंगे, शिक्षा बदलनी होगी। अगर यही मॉडर्न पॉलिटिकल सिस्टम चलता रहा तो पॉलिटिकल पार्टी में अंत में अधिकांश कार्यकर्ता
वही आएंगे जो छल प्रपंच फरेब झूठ चाटुकारिता नेताओं की चाटुकारिता उनके हत्या और अपराध को ढकना और उसको गरिमा मंडित करना कि ये देश के लिए वो पहले गरीबों का कहता था यहाँ हो सकता है हिंदुओं की भलाई के लिए कह दें नहीं नहीं मुसलमानों से हिंदुओं को मरवा रहे हैं अगर कोई भाजपा नेता तो कोई बात नहीं हिंदुओं की अंत में हिंदू धर्म की स्थापना जैसे उसने वहां गरीबों को भूखों मरवाया और चंद्रयान भेजता रहा अंतरिक्ष यान भेजता रहा अंत में गरीबों का शासन आएगा कभी तो आइडियोलॉजी से यही होता है कि भविष्य के सपने दिखाना एक दिन हिंदू शासन आएगा इसलिए अभी अगर हम उग्रवादी इस्लाम और ईसाई मिस्त्रियों का विस्तार और कम्युनिस्टों की लपंगई चलने देते हैं चिंता मत करो एक दिन आएगा हिंदुवाद एक दिन आएगा समाजवाद ये जो आइडियोलॉजी है भविष्य के सपने के नाम पर वर्तमान में क्रूरता नृशंसता नीचता पापाचार छलफरेब को वैध ठहराती है तो अलग अलग नाम से पापाचार हुए हैं आइडियोलॉजी के नाम से पापाचार अभी तक कम्युनिस्टों ने ही किए हैं ये आज का विषय था कि आइडियोलॉजी जिसको हिंदी में विचारधारा कहते हैं वो अगर आइडियोलॉजी के अर्थ में है कोई विचारों का मूल्यों का आदर्शों का प्रवाह है तो वो सनातन धर्म की बात हुई तो उसकी बात फिर सनातन धर्म की बात करने में आप शर्माते क्यों जो भारत के राजनेता सनातन धर्म की बात करने में शर्माते हैं और फिर भारतीय विचारधारा की बात करते हैं वो तो यूरोप की आइडियोलॉजी की नकल करते हैं इसलिए वो अविश्वसनीय है उनका आचरण अविश्वसनीय है तो इसको हमें जानना चाहिए आइडियोलॉजी का नाम लेकर कम्युनिस्टों ने केवल क्रूरता नृशंसता नीचता और पापाचार किया है आइडियोलॉजी बहुत ही भयानक वस्तु है और उसको विचारधारा कहके हर पाप को वैध ठहराने का काम होता है ये आज का विषय था अगले व्याख्यान में अगला विषय अगले व्याख्यान का विषय है पश्चिमी यूरोपीय समाज क्योंकि आइडियोलॉजी से तो कम्युनिस्ट करते हैं तो पश्चिमी यूरोपीय समाज क्या करता है तो वो इविल से युद्ध की परंपरा करता है ना तो वो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की बात नहीं करता गुड और इविल की करता है उसमें भी वो कई बहुत से छल करता है लेकिन उसमें वो इतना खुल के क्रूर और नीच नहीं होता मौका लगने पर करता है लेकिन दैनिक जीवन में अपने समाजों के साथ उसे उदार होते देखा गया है अगली बार व्याख्यान में हम लोग यूरोपियन पॉलिटिकल समूह जो हैं वो इविल का कैसा उपयोग करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इविल इविल के प्रत्यय का इस पर बात करेंगे आज आइडियोलॉजी के उपयोग के द्वारा क्या क्या पापाचार और नृशंसता हुई है और संभव है और भारत में कैसे एक बहुत बड़ा आधुनिक शिक्षित राजनीतिक वर्ग ऐसा बन गया है जो विचारधारा के नाम पे सब प्रकार के हत्या झूठ जो कहा जा रहा है उससे नितांत विपरीत आचरण सबको वैध मान लेता है ये बताना आज का प्रयोजन था नमस्कार सभ्यता अध्ययन केंद्र के सभी दर्शकों को सभी श्रोताओं को साधुवाद आयोजकों को साधुवाद कि वो इस विचारपूर्ण श्रृंखला को चला रहे हैं नमस्कार वंदे मातरम